फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। हम अपनी स्किन की केयर तभी स्टार्ट करते हैं जब हमारी स्किन पर कोई बड़ा सा पिंपल निकल आता है, डलनेस होना शुरू हो जाती है, या फिर पिगमेंटेशन का इश्यू हो जाता है, ब्लैक हेड वाइट हेड आ जाते हैं, या फिर डार्क सर्कल्स होना शुरू हो जाते हैं। तभी हमें ख्याल आता है कि चलो जी यार, कोई ना कोई रेमेडी कर ली जाए, कोई ना कोई हल कर लिया जाए। और अक्सर लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता भी होता है कि हमारी स्किन के साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उसका ख्याल तब भी नहीं करते हैं ना। ऐसी ही बात है ना, रेमेडीज हम लोगों को बहुत ज़्यादा आती हैं, टोटके हर तरह के हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ढीलापन दिखाते हैं और हम अपनी स्किन की जो है वो केयर नहीं करते हैं। तो आखिर में हमारी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है और बहुत ज़्यादा जल्दी हमारी स्किन केयर ना होने की वजह से एजिंग स्टार्ट हो जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और जो हमारी खूबसूरती होती है, जो हमारे स्किन क्लियरिटी होती है, वो सब कहीं दूर खो जाती है। और फिर हम लोगों को ख्याल आता है कि यार काश मैंने ये चीज़ कर ली होती तो आज मेरी स्किन ऐसी ना होती। तो इस काश को कहने से बेहतर है कि आप अभी अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों को काश कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा फेशियल शेयर करने वाली हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स में होने वाला है। आपकी स्किन को, अगर आप ग्लास स्किन चाहते हो अचीव करना, तो आपकी स्किन ग्लास स्किन जैसी हो जाएगी इन द एंड ऑफ द फेशियल। सेकेंड, आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, डलनेस, डार्कनेस सबकी सब गायब हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आपका फेस जो है वो ग्लोइंग और चमकदार हो जाएगा। एक बार इस फेशियल को ट्राई करना आपका दिल करेगा कि आप रोज़ करो, क्योंकि आप ऐसी ही ग्लोइंग स्किन और ऐसी ही खूबसूरत स्किन अपनी लिए चाहते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, क्योंकि आप चले जाओगे वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फेशियल को। अच्छा जी, जो हमारा फेशियल है ना, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कि कह लो हीरो इंग्रेडिएंट है, वो है हनी। हनी विंटर्स में और समर्स में, दोनों में ही हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को एक अलग लेवल का ग्लो देता है और हमारी स्किन से जो दाग धब्बे, ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं, उन सबको भी बहुत अच्छे से हल करता है। तो बेसिकली हमारी स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, हनी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। आपने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में देखा होगा इंग्रेडिएंट हनी का काफ़ी यूज़ होता है। तो आज हम अपने पूरे फेशियल में जो है वो हनी का यूज़ करके अपने फेशियल को ग्लास स्किन जैसी स्किन बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अपनी स्किन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं अपने फेस की क्लींजिंग। क्लींजिंग प्लस टोनिंग, दोनों ही चीज़ें हम लोग एक ही स्टेप में करेंगे और बहुत ही अच्छा सा ग्लो हमें पहले स्टेप में ही अचीव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 चम्मच हनी का, 1 चम्मच रॉ मिल्क का और 1 चम्मच हम लोगों को चाहिए रोज वाटर का। हनी हमारे फेस को मॉइस्चराइज करेगा, ब्रेकआउट्स को ख़त्म करेगा। जो मिल्क है उसमें होता है लैक्टिक एसिड, स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और रोज़ वाटर जो है हमारे पोर्स को जो है वो मिनिमाइज करता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे स्किन की क्लींजिंग भी करेंगी और टोनिंग भी करेंगी। तो इन तीनों चीज़ों को आपस में आपने एक बाउल में एक एक चम्मच मिक्स कर लेना है और किसी कॉटन पैड की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई करके 2 से 3 मिनट अच्छे से आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप वेट टिश्यू से या फिर अपने फेस को ऐसे ही वॉश करके रिमूव कर सकते हो। आप लोग एक ही बारी में देखोगे कि आपकी स्किन में कितना ज़बरदस्त सा ग्लो आ गया है। आपकी जो स्किन में डेड स्किन थी वो सबकी सब इस क्लेंजिंग के थ्रू बाहर निकल आएगी और आपकी स्किन जो है वो फर्दर स्टेप्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 में हम लोग करने वाले हैं डीप एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन जो प्रोसेस होता है ना, बेसिकली हमारी स्किन से ब्लैक हेड, वाइट हेड, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं शुगर स्क्रब। आपने मार्केट में सुना ही होगा, मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन हम लोग आज घर पर ही शुगर स्क्रब बनाने वाले हैं। शुगर स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए हनी। हनी आपको पता है मॉइस्चराइज करेगा हमारी स्किन को। दूसरे नंबर पर जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है लेमन। लेमन में विटामिन सी होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और थर्ड नंबर पर चाहिए हम लोगों को शुगर। शुगर जो है हमारी स्किन की बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करती है, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स को रिमूव करती है। एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो शुगर को माना जाता है।
तो ये तीनों चीजें आपने एक एक चम्मच लेनी है। आपका एक बेहतरीन सा शुगर स्क्रब बनकर तैयार हो जाएगा। आपने बहुत ही हल्के हाथों से अपने पूरे फेस का स्क्रब करना है, बहुत ही हल्के हाथों से 3 से 4 मिनट आपने स्क्रबिंग लाजमी करनी है। और जहां जहां आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो आपने उस जगह पर जरा ज्यादा जो है वो स्क्रबिंग करनी है, ताकि आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं वो वहां से निकल जाए और आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाए। तो आपने इस तरह से स्क्रबिंग करनी है 3 से 4 मिनट, देन आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। और ये स्क्रब अपने फूट एंड हैंड्स के लिए भी यूज कर सकते हो, प्लस अपनी नेक के लिए भी यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं एक वाइटनिंग फेस पैक। ये फेस पैक हमारी स्किन को रेडिएंट बनाएगा, ग्लास स्किन अचीव करने में हमारी हेल्पफुल रहेगा और साथ ही साथ हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर बनाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए हनी। हनी की प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। दूसरे नंबर पर हम लोगों को चाहिए होगा इसके लिए पटैटो जूस। पटैटो जूस आपको पता है हमारे डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है, पफी आईज को खत्म करता है, हमारे स्किन से पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है पटैटो जूस। तो 2 चम्मच पटैटो जूस का लेंगे और 2 चम्मच हम लोग इसके अंदर सैंडलवुड पाउडर का ऐड करेंगे। तीनों को सेम क्वांटिटी में लेकर एक पेस्ट सा बना लेंगे। पेस्ट को अपने फेस पर पूरा अप्लाई करेंगे, 15 से 20 मिनट तक लीव ऑन कर देंगे। देन अपने फेस का हल्के हाथों से मसाज करेंगे, मसाज करते करते इस फेस पैक को अपने फेस से रिमूव कर लेंगे। देन अपने अपने फेस को नॉर्मल टैप वाटर के साथ वॉश कर लेना है। देन आप लोग खुद देखोगे कि किस तरह से इंस्टेंट ग्लो आपके फेस पर आ जाता है। आप जो स्किन अचीव करना चाह रहे थे, ग्लास स्किन अचीव करना चाह रहे थे, वो आपको इस फेशियल से जो है वो जरूर जरूर मिलेगी। एक मरतबा जरूर इस फेशियल को ट्राई करना। जो भी आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो तमाम की तमाम हल हो जाएंगी, स्किन एकदम से हाइड्रेट हो जाएगी और आपको जो क्लियरिटी और स्मूथनेस मिलेगी वो एक अलग ही लेवल की होगी। तो इस फेशियल को आपने वीक में 4 मरतबा लाजमी अप्लाई करना है। बहुत ही आसान सा 10 मिनट के अंदर अंदर होने वाला ये फेशियल है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। इसको एक मतलब जरूर ट्राई करना अगर आप लोग ग्लास स्किन अचीव करना चाहते हो, अपनी स्किन को स्पॉटलेस बनाना चाहते हो। तो ऐसी ही मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर जरूर आइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में जरूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।